तो इधर आज हमारे यहाँ हो रहा था शिव चर्चा पड़ोस में, तो मैं वहाँ पे थी। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे मिला चैलेंज ऑयल फ्री खाना बनाने का, तो क्या बनाने वाली हूँ मैं आज ऑयल फ्री खाने में, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग भी देखिए और बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है, टेस्टी है और ऑयल फ्री तो है ही, तो हेल्दी होगा। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब कोई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस ईश्वर से यही कामना है। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं मेरी दुनिया में, मेरे चैनल मेरी दुनिया में। अगर आप लोगों ने मेरी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए, इधर मेरी बेटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं सारे बच्चों के, आप लोगों के भी बच्चों के शुरू हो गए होंगे, बहुतों के ख़त्म भी हो गए हैं, अभी यहाँ पे शुरू हुआ है बच्चों का एग्ज़ाम। तो आज मेरे हस्बैंड की डिमांड है कि मैं बिना तेल का, बिना एक बूंद भी तेल यूज़ किए कुछ टेस्टी सा बनाओ। तो चलिए, चैलेंज है तो चैलेंज एक्सेप्ट है मुझे। आज मैं बनाऊंगी बिना तेल का टेस्टी सा डिश, और वो क्या है आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है, बिना तेल का, और हेल्दी के साथ साथ ये मतलब जिनको पेट की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो को पूरा देखिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले उसकी सामग्री दिखा दूं कि आपको उसे बनाने में किन किन चीज़ों को यूज़ करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हमारे फ्रिज में, हम लोगों के फ्रिज में अक्सर सब्जियाँ बच जाती हैं बनाने के बाद, थोड़ी थोड़ी हर सब्जी में से बच ही जाती है, लगभग सभी के साथ ऐसा होता है। तो मैं आज उन्हीं बची हुई सब्जियों से ही बिल्कुल ऑयल फ्री और टेस्टी और हेल्दी भी डिश बनाने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनेगा वो। ये आज मैं यूज़ करने वाली हूँ इसमें बैंगन जो मेरे पास बचे थे, बीन्स है मैंने काट के रखा हुआ था ये भी बचे हुए हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, और जो इसकी मेन सामग्री है ये सब्जियाँ तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो भी हो, लेकिन आपको जो मेन डालना है, जो ज़रूरी है इसमें, वो डलेगा आपको चावल, भिगाया हुआ चावल है, और इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद ये टमाटर, इसे भी पीस लिया जाएगा, दोनों का ही पेस्ट बना लेंगे हम, और ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इसे भी हम पेस्ट कर लेंगे। बस ये तीन चार चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं इस डिश के लिए। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से धो लूं। मेरी सारी सब्जियां मैंने धो के रख ली हैं, अब इन्हें मैं काट लूंगी। और गोभी का डंडा लो, उसे भी मत फेंकिए, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, वो भी इसमें चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जियों को काट लेंगे, आपको रफली चॉप करना है। मेरी सारी सब्जियां कट गई हैं, इधर मैंने चावल भी पीस के रख लिया है, टमाटर भी पीस लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार है, और सारी सब्जियां भी कट गई हैं। अब इसके लिए जो जरूरी चीज चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है वो। मैंने सारी सब्जियां काट ली, चावल का और टमाटर का पेस्ट भी बना लिया, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी तैयार है। तो अब इसे बनाने के लिए हमें मिट्टी का हंडी चाहिए, क्योंकि इसका स्वाद अगर आपको चाहिए तो ये इसमें ही ज्यादा अच्छे से आएगा। अगर आपके पास है तो मिट्टी के हंडी में ही बनाइए, और नहीं तो आप नॉर्मल कढ़ाई में बना सकते हैं।
तो मिट्टी के हांडे से मतलब है, मैं आपको बताऊं, ये डिश एक्चुअली छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया का डिश है। जो ट्राइबल लोग हैं वो इसे बहुत ज़्यादा मतलब रोजाना के खाना में इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और मेरा बचपन वहाँ बीता हुआ है। तो आज पति ने मुझे चैलेंज दिया कि बिना ऑयल का खाना बनाओ। भाई मैंने देखा हुआ है, मैंने खाया है इस चीज़ को, मैंने भी फटाक से एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने तो बहुत खाया है लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं खाया, तो आज मैं उन लोगों को भी टेस्ट कराने वाली हूँ। और ये मैं छत्तीसगढ़ से ही लाई थी, बहुत प्यारा सा है। इसमें का जो कवर था वो टूट गया ढक्कन, तो मैं अब इसे स्टील के प्लेट से ही ढक के बनाऊंगी। लेकिन अगर आप इसमें बनाए तो इस चीज़ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिश को वहाँ की भाषा में आमट कहा जाता है। ये थोड़ा खट्टा होता है, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आमट, मतलब कि इसमें कच्चा आम, इमली, अमचूर पाउडर या फिर आप टमाटर डाल के बना सकते हैं। तो हमारे बिहार में तो इतना खट्टा खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने सिर्फ टमाटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें इमली डाल सकते हैं, अगर कच्चा आम है तो उसे भी कूट के डाल दीजिए, या फिर अमचूर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसा आपको खट्टा पसंद हो उस हिसाब से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो खट्टा कोई खाता नहीं, तो इसलिए मुझे टमाटर का पेस्ट यूज़ करना पड़ रहा है, वरना मुझे तो सबसे अच्छा इमली वाला ही लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है वो। पहले मैं इस अंडी में पानी रख दूंगी गर्म होने के लिए। पानी जैसे थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं सारे वेजिटेबल्स को उसमें डाल दूंगी और अच्छे से उबालूंगी। अच्छे से जल्दी से गर्म हो जाए तो इसके लिए मैं इसे कवर कर दूंगी, ताकि जल्दी से पानी गर्म हो जाए और हम जल्दी बना पाए इसे। ये हमारा पानी अच्छे से बॉईल होने लगा, हम इसमें सारी सब्जियां डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छे से पक जाए इसके अंदर जाके। तो आराम से सारी सब्जियों को आप डाल दीजिए। अब मैं इसमें कटे हुए जो पत्ता गोभी हैं वो भी डाल दूंगी। अब इसे ढक के मैं छोड़ दूंगी कुछ टाइम, अच्छे से सब्जी जब बॉईल हो जाए तो आगे का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब इसे एक बार हम चला लेंगे और देख लेंगे सब्जियाँ पकी हैं या नहीं। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, तो मैं इसे ढक के और थोड़े देर के लिए और छोड़ दूंगी। देखिए अब मेरा ये जो वेजिटेबल है बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो डाल दूंगी मैं। तो अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो डाल दूंगी, और डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। और मैं टमाटर को भी डाल दूंगी अभी ही। और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मैं डाल दूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। आप चाहे तो इसी टाइम पे इसमें अमचूर या इमली का भी, इमली को भी डाल सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा खट्टा चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो बस टमाटर काफ़ी है। अब मैं इसके अंदर जो चावल का पेस्ट बना के रखी थी वो डालूंगी, और धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे। धीरे धीरे से डालेंगे, एक साथ नहीं, नहीं तो ये गुठली बन जाता है। तो आप धीरे धीरे डालते रहिए और इसे चलाते रहिए। तो ये मैंने डाल दिया अच्छे से और मिक्स करते रहूंगी थोड़े देर, मुझे चलाना पड़ेगा इसे, नहीं तो ये गुठली बन जाता है। तो देखिए अब ये कैसे गाढ़ा होने लगा है। ये ट्राइबल लोगों का सूप है और बिना ऑयल के। हाँ अगर आप चाहते हैं तो इसे तड़का लगा सकते हैं कड़ी पत्ता और सरसों के साथ, पर वो ऑप्शनल है, आपको मन करे तो ही लगाइए,
या फिर आप ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं तो तड़का को स्किप कर दीजिए, बस ऐसे ही बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए, क्योंकि वहाँ के लोग इसे चावल के साथ ही खाते हैं। रोटी तो वहाँ खाया नहीं जाता, चावल ही ज्यादा खाया जाता है, तो लोग इसे चावल के साथ ही खाते हैं, दाल की जगह पे इसका यूज ज्यादा होता है। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म आमट रेडी हो चुका है, बिल्कुल ऑयल फ्री, मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला, और ऑयल फ्री बनाने का चैलेंज था तो इसलिए मैंने इसमें तड़का भी नहीं लगाया। तो ये एकदम से हेल्दी है, जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप इसे सूप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं सुबह नाश्ते के टाइम पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं ना, तो फाइबर आपको भरपूर मिलेगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर से अपने डाइट में ऐड कीजिए और बनाकर ट्राई कीजिए, अच्छी लगे तो बार बार बनाइए, और मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ, थैंक यू, फिर नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा हेल्दी लेकर आऊँगी मैं।